ये बच्चियाँ बेसिकली मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको माशाल्लाह। तो ये कितने कितने दांतों में ये चार चलो जानवर दौड़ना स्टार्ट हो गए। पहली जो है वो मुझे माल यहाँ पे टुकड़ों पे उतरा हुआ है, तो मैंने सोचा कि जो आगे माल उतरा है वो भी दिखाऊँ आप लोगों को, और ये कहाँ तक उतरा है ये भी दिखाऊँ भाई। ये क्या रात में उतारे कल, आज दिन में? दिन में 11 बजे उतारे हैं भाई माशाल्लाह। हेलो भाई, छोड़ नहीं करो भाई। इस वाले की क्या मांग रहे हो? ये नीचे माशाल्लाह, ये देखें क्या ज़बरदस्त नज़ारा है। ये देखें यहाँ थोड़ा छोटा माल है, ये भी खड़ा हुआ है। ये ग्राई बॉर्डर पर लाए जा रहे हैं इनको। लेकिन दोस्तों लाइव स्टॉक एक्सचेंज में आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद। दोस्तों आज 10 जून 2021 है और मैं सुराग मोड़ मंडी के अपडेट के लिए हाजिर हो गया हूँ। दोस्तों इस वक्त मैं ब्लॉक नंबर 15 में हूँ। ये वो ब्लॉक है जहाँ पे ज़्यादातर अफगानी अपना माल लेके आते हैं, बछिया वगैरह। तो इसमें जो है मैं देख रहा हूँ काफ़ी जो है वो अफगानियों का माल आ गया है, और तकरीबन ज़्यादातर मुझे बछियाँ नज़र आ रही हैं। मेरे पीछे भी जो है वो ये जो माल खड़ा हुआ है इसमें माशाल्लाह काफ़ी अच्छी कलर वाली और सेहतमंद बछियाँ हैं। अच्छा अभी जो है वो मैं इंशाल्लाह आपको जो है वो माल जो उतरा है कल रात को, कल का ही ये माल मुझे उतरा हुआ नज़र आ रहा है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। इसके अलावा कुछ अपडेट्स हैं मंडी की, वो भी मैं आप लोगों को बता दूं कि इंतज़ामिया का जो ऑफिस है वो बनना स्टार्ट हो गया है, उसके कमरे बन गए हैं और छत डलना उसकी बाकी है। इसके अलावा जो VIP ब्लॉक है उसके पीछे की जो पट्टी है वहाँ पर भी तंबू लग गए हैं, खड़े हो गए हैं। और जो कराची पट्टी वाला एरिया है या जिसे प्राइम पट्टी भी कहा जाता है वहाँ पे भी जो है तंबू लगना स्टार्ट हो गए हैं। तो मंडी में इंतजाम का काम भी माशाल्लाह से चल रहा है तेज़ी से। ये मैं रास्ते में आया था तो सब मैंने इंतजाम देखे थे। तो आज की इस वीडियो में मैं देखूँगा कि जो कल माल उतरा है उसमें कौन कौन सा माल है और किस तरह का माल है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज सुरागपुर मंडी की क्या अपडेट है। दोस्तों ये जो है वो ब्लॉक नंबर 15 है, यहाँ पे जो है वो कल जो है वो छोटे मज़ा आना शुरू हो गए थे। ये अफगानी भाइयों का माल है, बछियाँ पालते हैं ज़्यादातर ये और बछियाँ लेके आते हैं। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बछियाओं का बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन है। ये आप देखें अच्छी प्रिंट वाली बछिया है, मगर ये कि अभी उतरी है तो ज़रा गंदी हो रही है ये, और माशाल्लाह बिल्कुल ठोस बछिया है ये। तो भाई एक भाई जो है वो फरमाइश भी कर रहे थे कमेंट्स में, काफ़ी भाई फरमाइश करते हैं कि आप बछियाँ भी दिखाया करें। तो ये बछियाँ आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अभी मैंने इनसे पूछा था कि भाई आप रेट्स वगैरह बता रहे हैं, तो अभी ये कहते हैं भी हम थके हुए, माल अभी आया है तो रेट्स अभी जो है वो हम बाद में, आप कह रहे थे कल आ जाएँ तो रेट्स बताएँगे। तो अभी मैं आप लोगों को जानवर दिखा देता हूँ, फिर इंशाल्लाह कभी रेट्स की बात हुई तो मैं इंशाल्लाह इनके रेट्स भी आप लोगों को बताऊँगा। ये बछियाँ बेसिकली मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको माशाल्लाह, ये आप देखें माशाल्लाह इसकी दुम की मोटाई देखें और ज़बरदस्त भरपूर बछिया है ये, और क्या ही इनकी पलाई हुई है माशाल्लाह से। तो बछड़ियाँ की जो कुर्बानी करते हैं लोग, जो शौकीन है वो यकीनन इस माल को देख के बहुत खुश होंगे। जिस किस्म का ये कलेक्शन है माशाल्लाह से और जिस किस्म की पलाई हुई है माशाल्लाह, इतना बेहतरीन अबलग कलर है बछिया का। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे कलर कॉम्बिनेशन में ये बछियाँ हैं। कुछ वहाँ पे भी है बड़ी, वो भी दिखाता हूँ। कुछ यहाँ पे माल है, ये थोड़ा छोटे कैटेगरी का है माल, ज़रा लग रहा है थक गया है इस वजह से बैठा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह एक कलर में बछिया है, फुल ब्लैक है, और एक बछड़ा भी लेके आ गई है छोटा है। ये दो दांत हो गया, खीरा है ये भाई। तो ये है जी कुछ बछड़े भी हैं इनके पास, नहीं बछियाँ हैं सारी, ये भी बछियाँ हैं सारी, ये भी बछियाँ हैं माशाल्लाह। ये देखें जी माशाल्लाह हाइट वाली बछिया है, और ये भी माशाल्लाह फुल ठोस बछिया है। चेहरा देखें इसका माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। ये बछिया देखें माशाल्लाह साहीवाल में माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत बछिया है, फुल ठोस वज़न वाली। और एक ये देखें माशाल्लाह बेहतरीन। तो ये एक जगह जो माल उतरा था वो मैंने आप लोगों को दिखाया, इसके अलावा टुकड़ों में माल उतरा हुआ है, कुछ माल वहाँ पर है, कुछ वो
बंधा हुआ है, कुछ उधर बंधा हुआ है, कुछ इधर बंधा हुआ है, सारा टुकड़ों में माल उतरा हुआ है। जहाँ जहाँ इनको जगह मिली है बताई गई है वहाँ ये इस जगह पे आ गए। इसके अलावा जो है वो इसी मतलब ब्लॉक में मुझे जो है वो जो कल माल था उतरा हुआ वो नज़र आ रहा है सारा, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो पहला ट्रक उतरा था वो बिल्कुल उस ट्रैक्टर के पीछे वाली जगह थी जहाँ पहला ट्रक अनलोड हुआ था, वहाँ जाके भी मैं चेक करता हूँ कि कुछ और माल आया कि नहीं। अच्छा ही दोस्तों, अभी जो मैंने आप लोगों को बछियाएँ दिखाई थी वो सामने वो खड़ी हुई है पीछे, तो अब मैं थोड़ा सा आगे आया हूँ क्योंकि माल यहाँ पे टुकड़ों पे उतरा हुआ है, तो मैंने सोचा कि जो आगे माल उतरा है वो भी दिखाऊँ आप लोगों को, और ये कहाँ तक उतरा है ये भी दिखाऊँ। तो कुछ माल यहाँ उतरा हुआ है, टुकड़ों में माल उतरा है, यहाँ पर बछड़े हैं सारे अच्छे माशाल्लाह बड़े बछड़े हैं, और कुछ जो है वो माल पीछे वहाँ पर उतरा हुआ है। तो मैं ऊपर इस वजह से आया था देखने के लिए दूर कहाँ तक उतरा हुआ है, क्योंकि नीचे से नज़र नहीं आ रहा था। तो ये देखें कि माल जो है वो वहाँ तक उतरा हुआ है। तो ये जो है वो ब्लॉक नंबर 15 होता है, यहाँ पे ज़्यादातर जो है बछियाँ वगैरह आती हैं, अवानी भाई जो बछियाँ वाला माल लेके आते हैं, अवानियों का माल होता है वो ज़्यादातर यहाँ पे आता है। तो ये सारा माल जो है फ़िलहाल टुकड़ों में उतरा हुआ है, और कल जो है माशाल्लाह काफ़ी माल आया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं थका हुआ है माल पीछे भी बंधा हुआ बैठा हुआ है। तो ये है भाई अभी तक की अपडेट आज की सुभाष सोनापुर मंडी की। मैं इसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ कल माल उतरा है, और जिस जगह ज़्यादा माल उतरा है मैं इसी जगह मौजूद हूँ। बाकी वो दूर जो है वो जगह है सामने जहाँ फर्स्ट ट्रक अनलोड हुआ था। तो ये है अब तक की अपडेट। इसके अलावा ये आप सामने देख सकते हैं मौसम किस कदर हसीन हो रहा है, सूरज की किरणें जो हैं वो बादलों में से जो है वो उतरती हुई आ रही हैं नीचे, माशाल्लाह ये देखें क्या ज़बरदस्त नज़ारा है। इसके अलावा दोस्तों कल जो है वो जो मैंने रेट्स बताए थे जानवरों के, उस पर काफ़ी दोस्तों ने कहा कि रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, इससे पहले बच्चों के भी जो है वो मैंने रेट्स व्यापारी से पूछ के बताए थे, तो आप लोगों ने कहा था रेट ज़्यादा हैं। तो मैं ये बात आपको वीडियो में भी मैं बता देता हूँ कि शुरू में जो है वो व्यापारी थोड़ा रेट ज़्यादा ही मांगते हैं, बट ये कि जब मंडी चलना स्टार्ट होती है, जब रियल ख़रीदारी स्टार्ट हो जाती है, तो रेट्स भी जो है वो स्टेबल होना शुरू हो जाते हैं। तो रेट्स जो है वो के साथ साथ इंशाल्लाह स्टेबल होंगे। रेट्स मैं सिर्फ इस वजह से पूछता हूँ, फिर आप लोगों की डिमांड आती है कि आपने जानवर दिखा दिए रेट से पूछे। तो शुरू में उमूमन यही होता है, जब माल आता है तो व्यापारी हजरात भी थके हुए होते हैं, जानवर भी थके हुए होते हैं, और जानवर तो दो तीन दिन तक सही तरह खाता नहीं है, तो जब वो खाना पीना स्टार्ट करता है, जब वो थोड़ा सा सेहत पकड़ता है, तभी व्यापारी जो है वो फिर सही मुनासिब जो उनके रेट्स होते हैं वो मांगना शुरू करते हैं। तो रेट्स की भी इंशाल्लाह वीडियोज़ आएँगी, और इंशाल्लाह रेट्स भी मुझसे कम होंगे, तो उसकी भी वीडियोस आप लोगों से शेयर करेंगे। अभी फ़िलहाल आप लोगों को जो अपडेट्स होंगी मंडी की वो बताते रहेंगे कि कहां कहां माल आया है। फ़िलहाल अभी मुझे कोई यहां पे ट्रक ट्रॉलर अनलोड होते हुए नज़र नहीं आ रहा, अगर होता तो मैं अनलोडिंग भी आप लोगों को दिखाता। तो अभी जो सिचुएशन है वो कुछ और माल भी जो उतरा था टुकड़ों में वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बछियाँ हैं सारी माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत जो है वो बछिया है एक कलर में, कुछ बछड़े पीछे जो हैं बड़े खूबसूरत हैं मुझे पसंद आए वो भी हैं। ये पहले आप लोगों को बछियाँ दिखा दूँ मैं, तो ये बछड़ा भी खड़ा हुआ था मुझे बड़ा पसंद आया था ये, माशाल्लाह बहुत अच्छा नाप चाले वाला बछड़ा है ये, और एक जो है ना वो यहाँ पर है माशाल्लाह। बाकी यहाँ पे भी माशाल्लाह अच्छे कलर वाले बछड़े हैं, अबलक में है ये, थोड़ा छोटा है मगर फुल गोल हो रहा है ये देखिए जी माशाल्लाह। कुछ जानवर यहाँ पे बंधे हुए, ये देखें आप जी, ये वो माल है जो भी आया है, कुछ वो आगे भी उतरा हुआ है माल टुकड़ों में, तो अब सब जगह जाना मुश्किल है, जितना हो सकता है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो कल की बनिस्बत जो मैं आज देख रहा हूँ माशाल्लाह सोहरावगढ़ मंडी में काफ़ी माल आ गया है, और थोड़ा फैल के उतरा है, मगर ये कि माल
अच्छा कलर वाला भरपूर माल आया है, ये देखें आप, ये भी माशाल्लाह गुलाबी में है, अच्छा खूबसूरत बछड़ा है, सारा माशाल्लाह खूबसूरत माल है और अच्छा हैवी माल है। पब्लिक भी माशाल्लाह काफ़ी विज़िट करने आई हुई है। अच्छा जी, अभी मैंने इस पूरी जगह की आपको अपडेट दी थी, पीछे तक जो माल उतरा था सब आप लोगों को दिखाया है, अब जो है वो रोड के इस पार भी यहाँ पे भी माशाल्लाह माल उतरा हुआ है। और यहाँ पे एक अपडेट और ये भी है कि लाइटिंग के पोल लग गए हैं आगे तक, वो सामने ये आगे तक लाइटिंग के पोल लग चुके हैं, ये आप देख सकते हैं, और माल जो है वो यहाँ पर भी खड़ा हुआ है, ये भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह यहाँ पे भी माल उतर गया है, और यहाँ पे देखें माशाल्लाह खूबसूरत बछड़े मुझे नज़र आ रहे हैं, ये देखिए जी माशाल्लाह, तो वहाँ से यहाँ आना बहुत अच्छा हो गया, वहाँ से यहाँ आना अच्छा हो गया माशाल्लाह से, आप देख सकते हैं क्या हसीन बछड़ा है माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत माल है माशाल्लाह से, बछिया है माशाल्लाह भाई, साहिवाल बछिया बहुत बेहतरीन खूबसूरत, ये देखें जी माशाल्लाह, ये देखें यहाँ थोड़ा छोटा माल है, ये भी खड़ा हुआ है, तो कुछ माल जो है वहाँ पे खड़ा हुआ है, तो तकरीबन जितना भी अब तक ये माल उतरा हुआ था यहाँ पे इस ब्लॉक में, तो कल उतरा है वो तकरीबन मैंने मैक्सिमम आप लोगों को दिखा दिया है, कोशिश करिए कि मैक्सिमम दिखा दूँ, क्योंकि बहुत टुकड़ों में उतरा हुआ है माल, दूर दूर उतरा हुआ है, तो हर जगह जाना आसान नहीं है, मगर ये कि मैक्सिमम जो थे मैंने दिखा दिए, बस ये कुछ आगे रह गए वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं। अभी तो ज़ाहिर सी बात है सब शौक कर रहे हैं, मंडी अभी लगना स्टार्ट हुई है, जानवर भी अभी थके हुए हैं, व्यापारी भी थके हुए हैं, इंशाल्लाह जब कब सेट हो जाएंगे तो फिर भरपूर इंशाल्लाह ख़रीदारी भी स्टार्ट होगी। बकाया माल ये कहाँ रहीम यार खान का है, बाकी ये जो है वो रहीम यार खान का माल है, अभी पूछा है मैंने व्यापारी से, कह रहा है वो माशाल्लाह खूबसूरत बछड़ियाँ हैं इसमें अबलक वाली, ये बिल्कुल जो ब्लॉक नंबर 15 स्टार्ट होता है ये वहाँ पर माल खड़ा हुआ है, ये सामने नियाज़ी मस्जिद है, और वहाँ से जो एक एंट्रेंस अंदर आ रही है बिल्कुल उसके साथ ये माल खड़ा हुआ है, तो माशाल्लाह इसमें भी सारी खूबसूरत बछड़ियाँ हैं, ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह फुल वाइट है, ये देखें जी माशाल्लाह अच्छी कलर वाली और भरपूर बछियाँ हैं, ये तकरीबन मैंने कोशिश करके सारे ही माल जो भी कल का उतरा हुआ है वो तकरीबन मैंने दिखा दिया है। अच्छा ये दोस्तों, ये वो जगह है जहाँ सेकंड ट्रक उतरा था बछियाँ, इसी के साथ ही जो है वो यहाँ पे कुछ और बड़ा माल उतरा है, वो भी आप लोगों को दिखा दूँ मैं, ये माशाल्लाह काफ़ी बड़ा माल है, अच्छे भारी बछड़े हैं और टोटल माशाल्लाह 4 बछड़े हैं, ये सारे जो है वो एक से बढ़ के एक अच्छे कलर में हाइट में, ये देखें माशाल्लाह भरपूर बछड़ा है, वज़न देखें इसका, हाइट देखें माशाल्लाह सलामी वाला बछड़ा है, तो ये जो है ना माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मुझे 4 बछड़े नज़र आए, और एक अलग ही इनकी खूबसूरती है और बेहतरीन माशाल्लाह ये 4 बछड़े हैं, ज़बरदस्त पलाई हुई हुई इनकी, तो सोचा ये भी आप लोगों को दिखा दिए जाए। इनको ग्रैब बॉर्डर भी पिलाया जा रहा है आजमे के लिए, किस जगह का माल है, रहीम यार 4 ही लाए हो, तो ये इधर कराची से ही लाए हो 4 के लिए, तो क्या इसमें मस्जिद में आए होंगे 4, तो वही रहीम यार खान से ही, मतलब ये कि जगह बुक करने के लिए ले आया था, और जानवर पीछे आएंगे माशाल्लाह 21 जानवर, वो बड़े ट्राले में आएंगे भाई, ये क्या रात में उतारे कल, आज दिन में, दिन में 11 बजे उतारे हैं भाई, माशाल्लाह 4 बड़े बछड़े हैं, ये व्यापारी भाई ने बताया भी, रहीम यार खान से लाए हैं ये 4 माल,
एक बड़ी मज़ा में माशाल्लाह भाई भरपूर बछड़ा है। इस वाले की क्या मांग रहे हो? ये 9 लाख। इसके भाई 9 कह रहे हैं ये। एक तो ग्राइवेटर दे और वो परला वाला जो है वो परला वाला 7। सबसे महंगा यही है जी। और उसके क्या मांग रहे हो? उसी के 9 है। उसके भी 9 है। 9, 9, 7। और ये भी 7 पार्टी आगे बैठेगी कामा पेशी कर देंगे। तो ये कितने कितने दांतों में? ये 4-4। देखिए दांत भी दिखा रहे हैं व्यापारी। 4 दांत है, सारे 4-4 दांत है भाई। 9, 9, 7, 7 ये रेट्स हैं इनके। 4-4 दांत वाले मुसलमान तो रेट्स भी बता रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि जब पार्टी आएंगी तो थोड़ी कमी पेशी भी कर लेंगे। ये ग्राइव वाटर पिलाया जा रहा है इनको हाजमे के लिए। पूरी एक बोतल जाती है। तो जी ये है बड़े जानवरों के रेट्स। शाम के टाइम जो है वो एक ट्रक आ गया है, इसके अनलोडिंग में आप लोगों को दिखा देता हूँ। छोटा मज़ा ट्रक है, इसमें से अब जो है कुछ ही देर में जो है माल अनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके अनलोडिंग भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। कुछ ही देर में जो माल अनलोड होने वाला है। खुली भी देखेंगे अरे टेक्निक से उतार रही है, आसान नहीं है इसको उतारने। चलो भाई जानवर दौड़ना स्टार्ट हो गए। पहली जो है वो बछड़ी आ रही है। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह आराम से उतर गई। माशाल्लाह ये भी बछड़ी है एक कलर में ब्लैक, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत है। बिस्मिल्लाह ये भी बच्ची है माशाल्लाह। माशाल्लाह ये भी बच्ची है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह माशाल्लाह अच्छी हैवी बच्ची है। ये बछड़ा है माशाल्लाह भाई। हेलो छोड़ नहीं करो यार, छोड़ नहीं करो, छोड़ नहीं करो भाई। भाई हेलो भाई छोड़ नहीं करो भाई। नहीं करो यार, बांध दो बांध दो बांध दो, नहीं करो पीछे हो जाओ यार भाई, शोर नहीं करो यार प्लीज। भाई शोर नहीं, भाई शोर नहीं करो यार प्लीज। तो ये थी दोस्तों आज सुहरावपुर मंडी की अपडेट। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। इस वक्त जो सिचुएशन थी आज सुहरावपुर मंडी की, उससे मैंने आप लोगों को अपडेट किया है। वीडियो अगर पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह इस तरह की वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेंगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर हाज़िर होता हूँ। अपना अपने घर वालों का सबका ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।